हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ ब्रेकफास्ट टाइम। एक्चुअली 9:30 हो चुके थे, इसलिए किचन में बनाते टाइम मैंने शूट नहीं किया। ऑल दो मैंने बनाया है वो है सैंडविच। सो सैंडविच बहुत दिन हो गए खाए हुए, तो मैंने बोला चलो बना देते हैं सबके लिए। तो सबके लिए मैंने बना दिया था। एंड उसके बाद बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो आप देखते रहिए, और उसके बाद शॉर्टली मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी मैंने हमारे वाले रूम की बेडशीट चेंज करी है, ये देखो। एंड झाड़ू लगाना है और उसके बाद पोछा लगाना है। एंड दाल और कैरेट फ्राई में चढ़ा के आई थी। ये अभी नहा रहे हैं और आदित्य के कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, तो दोनों आ जाएंगे तो नहा लेंगे। अभिषेक बाहर बैठा है, बोल रहा है अभी नहीं नहाना है। मैंने बोला इतने में जब तक ये बाहर आए तो झाड़ू पोछा लगा देते हैं और उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। भोजन संपन्न करने वाले हैं, संपन्न नहीं, भोजन शुरू करने वाले हैं। थाली दिखाती हूँ आपको। सो फाइनली पेट पूजा हो चुकी है। एंड मम्मी को अभी इंसुलिन लगाना है। मैं सुबह से बोल रही हूँ लगाऊँ, मम्मी बोलती थोड़ी देर के बाद। तो ऐसे ही ना शुगर भी ऐसे ही बढ़ा दिया है मम्मी ने। तो अभी इंसुलिन की वजह से जो है शुगर चेक किया था कल पापा का और मम्मी का। पापा तो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, अभी पूछती हूँ डाल दूँ कि नहीं। मम्मी इंसुलिन ठीक है ना? वही मैंने अन्ना को बताया कि लेके आ करके। जरा बैठो मम्मी, जरा एक बार हाय करो बच्चे, बस मेरे दोस्तों को बैठो। अभिषेक चुप, अभिषेक हाय चुप। ये देखो जी, हाय हाय। ओनली पैर में प्रॉब्लम है फिलहाल, बाकी सब ठीक। मम बाकी सब जगह से ठीक हो गई? ठीक है। अभी मम्मी की फिर से जो है ड्रेसिंग करनी थोड़ी, और उसके बाद लगानी है इंसुलिन। इंसुलिन लगा दूंगी पहले, लगा दो ना।
इसकी सुई बहुत ही छोटी सी पॉइंटेड सी रहती है, ढंग से दिखाई भी नहीं दे रही, वो देखो दिख रही है। और पेट पे करना है, तो पता नहीं लगा ना। तो डाल दिया, इंसुलिन डल चुका है। तो पहले मेरे पापा डाल देते और अभी मैं लगा रही हूँ। तो पापा जब लगाते थे तो मम्मी को दर्द होता था, अभी हो रहा है क्या मम्मी दर्द? नहीं हो रहा। एक्सपर्ट हूँ मम्मी मैं। और ये देखो जो तेल का जगह था पूरा दाग दाग हो गया यहाँ पूरा। खाना ड्रेसिंग अप करना, खाना खाने के बाद में। हाय बाय। तो जस्ट अभी ड्रेसिंग करके आके यहाँ पर लेटी हूँ। एंड कल रात को मैं एक मूवी देखी थी, द स्काई इज़ पिंक करके, आधी देखी एंड फिर उसके बाद नहीं देखी क्योंकि ये लोग देखने नहीं दे रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अभी देख लूँ, और थोड़े बहुत कुछ काम है, कोलैबोरेशन के भी एक दो वीडियो हैं जो मैंने बिल्कुल बनाए नहीं है। एंड व्लॉग्स भी मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं करी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा है। इन्होंने चलो मूवी लगा रखी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो हमेशा की तरह इस बार जो है मैं पापा मम्मी को एकदम आते ही एंट्री में दिखाया नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मम्मी लेट ही रहती, तो लेटे लेटे बार बार क्या दिखाया करके। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जब ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने बोला चलो मम्मी आज बात करते करके मैंने करवाई। एंड थोड़ी देर पहले फिर मैंने बोला पापा से मिलाते हैं। पापा का तो सुबह मैंने दिखाया था ना, पापा तो घूमते रहते, पापा बैठ नहीं सकते बिल्कुल। एंड प्रॉब्लम तो शुगर की पापा को भी है, लेकिन दोनों को होने के बावजूद भी मेरे पापा को भूख ज़्यादा लगती है शुगर में। तो हर दो घंटे में कुछ ना कुछ पापा को चाहिए, बोलते हैं मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को मैं गिर जाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते। तो नींबू पानी या कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मम्मी हमेशा जो है वो उनको सर्व करती रहती थी, तो अपने लिए कभी केयर करती नहीं थी। अभी भी मेरे पापा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और उनका जो ऑफिस का काम है वो भी देखते रहते। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि चलो पापा से मिलवाते हैं, और पापा लेटे हुए थे, फिर मैं बोला चलो दूसरे टाइम कभी दिखा देंगे। एंड पापा ने अभी ये कोरोना में दाढ़ी बढ़ाई है एंड वो बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही है पापा पे। एंड वो शेविंग कर ही नहीं रहे। पहले तो वो एकदम वाइट बाल आए थे, और जब मैं वहाँ पे ही थी तब पापा ने अपनी डीपी में लगाया था व्हाट्सएप पे, मैं वो ये क्या कर रखा है पापा ने, मैं वो भैया जल्दी से इसको करो। पता नहीं किसने बोला कि सर आपके पे दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, हमको को तो किसी को पसंद नहीं आई घर में। तो पापा ने जो है वो वाइट दाढ़ी को फिर कलर करके काला कर दिया उसको। फिर भी हमेशा से आर्मी में रह के बहुत ही नो दाढ़ी नो हेयर ऐसे वाला गेटअप के बाद अभी ऐसे देखने में मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। एंड घर में भी किसी को पसंद नहीं आया, हम बोल रहे कि निकाल दो दाढ़ी, डैडी तो निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं अभी दाढ़ी में दिखाने वाली थी, मैंने वो पर पोस्ट ठीक नहीं था करके मैंने छोड़ दिया। सो वो एक चीज़ थी। एंड चाहे पापा कितने भी बीमार हो ना, अनटिल अनलेस कि उनसे चला ना जाए, ऐसी कुछ भगवान करे ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, तब तक वो बैठेंगे। अदरवाइज चाहे बुखार भी हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा घूमते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं मेरे पापा, खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठा देंगे ना तो पापा को लगेगा जैसे पनिशमेंट है। सेम मेरी पापा की जो आदत है ना, आदित्य भी वैसी करता है। अगर उसको बोलेंगे भाई हिलना नहीं, यहाँ पे कमरे में बैठे रहो, तो ही के नॉट यू नो डू दैट। उसको लगता है कि बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी, उसको मारने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत है। उसको बोलो रूम में इधर बैठे रहो और कुछ भी कर लो रूम में, बट वो बहुत मुश्किल टास्क है उसके लिए, वो दो मिनट एक जगह टिकता नहीं है। सो एक चीज़ थी। एंड अभी बच्चों को खाना भी खिलाना है,
और बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ना राइस खाते हो एंड वो सारी चीज़ें, तो आज साउथ इंडिया में होता ही ऐसे है, ये हमारे घर की बात नहीं है। बचपन से हम लोग तो रोटी खाते रहते थे, मैं और मेरा भाई तो हमेशा रोटी खाते थे, लेकिन पापा मम्मी क्योंकि मतलब जो है मैक्सिमम राइस ही खाते थे, हम लोग को तो रोटी खाए बॉक्स में भी रोटी लेके जाते थे, वैसी आदत थी। तो जब तक हमने रोटी छोटी खाई तब तक मैं पतली थी, एंड उसके बाद शादी के बाद यहाँ का अभी इसी यहाँ के लोग जैसे फॉलो करते हैं, मेरे पति भी वैसे ही फॉलो करते करके चावल खाना शुरू किया, एंड अभी तो वेट और ज़्यादा बढ़ गया लग रहा है। ये जो ड्रेस है थोड़ी टाइट हो गई है मेरे पेट के, यहाँ से थोड़ी तोंद निकल आई है मेरी। सो मैं जब भी कुछ ठानती हूँ ना कुछ हो जाता है। मैं सोच रही थी वर्कआउट भी करूँ, सुबह जल्दी उठूँ, लेकिन रात को रोज़ जो है ऐसे बैठक बैठ रहे हैं, रात को जो है 1-2 बज जा रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि कोई ना कोई मूवी लगा दे कुछ तो रहे, तो सुबह तो मुझसे जगा नहीं जा रहा है फिर तो। गलती मेरी भी है बट क्या करें, मन करता है रात को मूवी देखने का। मैं सोचता हूँ वो मूवी कंप्लीट कर देते हैं द पिंक स्काई, वो भी नहीं देख नहीं रहे हैं। वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा यार, बहुत मैं दो शाम के टाइम पे खा नहीं रही थी बिल्कुल, और यहाँ पे आके मम्मी तो बोलती नहीं खाओ 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 खाओ, तो खा ही रहे। और अभी बच्चों को खिलाना है, टाइम हो रहा है, बच्चों को खिलाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी लगता है यार इनको खिलाते टाइम कब बड़े होंगे, कब खुद से खाएंगे, क्योंकि आदित्य तो फिर भी ठीक ठाक खा लेता है, अभिषेक ना एक मुंह में उसको निवाला खिलाओ तो इधर उधर उधर इधर करता रहता है। सो मेरे को लगता है यार मेरे उनको खिलाते खिलाते मेरा खाने का मूड ही भाग जाता है, लेकिन फिर भी फूलने में कोई कमी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कितना भी खा ले मोटे नहीं होते, एंड हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा खाओ तो भी ऐसे ही ना हवा भरते हैं ना जैसे टायर में, तो फूलते रहते हैं, का करें यार का करें। तो लॉकडाउन जो है पार्शली कुछ कुछ चीज़ें ओपन हुई है, उसमें लगता है कि यार मैं सोच रही थी कि ना वैक्सीन कराने या थोड़ा बहुत कुछ कराने अर्बन, क्योंकि यहाँ हैदराबाद में तो फैसिलिटी है अर्बन क्लैब वालों की, विजयवाड़ा में तो नहीं है, जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी बुला लूँ करके, फिर डर लग रहा था यार ये, क्योंकि जब से लॉकडाउन जो पार्शली ओपन हुआ उसकी वजह से कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और एस्टिमेशन ये है कि दिसंबर तक इंडिया की आबादी आधी हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे लोग आधी आबादी मर जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। एंड कल परसों में भी 2-3 दिन में भी, एंड आज भी मेरे भाई का एक फ्रेंड के पापा ब्रिगेडियर, उनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से विदिन 5 डेज। एंड मेरे हस्बैंड के एक जान पहचान वाले थे, बहुत ही मतलब हट्टे कट्टे इंसान थे, एंड बुखार आया, उन्होंने पैरासिटामोल डाला, एंड ही डिड नॉट वांट टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। या एक रहता भी है ना जो थोड़े VIP टाइप के लोग होते हैं, उनको लगता है यार हमको क्यों आएगा या हम क्यों चेक करवाएं, तो उस चक्कर में नेग्लिजेंस हो गया और वो आ गया। सो अगर अभी पार्शली ओपन भी हो रहा है, जो लोग मतलब जिन्होंने केयर करना छोड़ दिया वो लोग और फैला ही रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत दुविधा में चल रही है ज़िंदगी। सो इतने 2 महीने इतना कड़क लॉकडाउन चला और उसके बाद अब ये ओपन कर दिया है, तो वो पहले वाला जो किया था उसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फिर दूसरा जो है, सबसे पहले तो दारू शारू ओपन कर दी कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जितना दारू जनरेट करता है बाकी चीज़ें मिलके भी उतना नहीं कर सकती है। सो धीरे धीरे अब सब ओपन कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है दुनिया का, दिसंबर तक आबादी आधी होती है कि और बढ़ती है या जितनी है उतनी रहती है, लेट्स सी। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आज की तारीख में ऐसा है ना कि क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। सो अभी मैं बैठी थी ऐसी खाली, मैं सोच रही थी चलो बच्चों को खाना खिला देते हैं, फिर थोड़ा बोर भी हो रहा था, बहुत देर बाहर बैठी हुई थी मैं, हर टाइम तो मैं शूट भी नहीं कर रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या अभी करना क्या है। चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं, आप लोग भी बड़े दिन से मेरे वीडियो का भी वेट कर ही रहे हो, बिकॉज मैं इतना रेगुलरली डाल ले रही हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा था शेड्यूल इसलिए। तो चलिए, जो भी है आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है या और भी कुछ आपकी आपकी तरफ से कुछ आप चाहते हो कि मैं बोलूं या दिखाऊं या कुछ भी है, एनीथिंग, योर सजेशंस आर वेरी मच प्रेशियस फॉर मी, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोग को वीडियोस दे सकती हूं, लेट इट बी एनीथिंग। और अगर आपको मेकअप का वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, आप ये नहीं बोलना फिर भैया बनाने के बाद कि आपकी मम्मी बीमार है और अब मैं मेकअप का वीडियो बना रहे हो, मम्मी का जो था वो क्योर हो रहा है अभी धीरे धीरे। एंड जो भी है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा मेकअप का सामान यहाँ लाई थी, एक डब्बा मैंने बनाया था जब मैं मिसेस इंडिया के कॉम्पिटिशन में जा रही थी ना, तब मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ था, तो वो बॉक्स ही रख दिया मैंने छोटा सा पतला सा था, ताकि कहीं भी जाओ
आपको फिर से छांट के रखना नहीं पड़े, तो वो बॉक्स रखा हुआ है मैंने। तो वैसे तो मैं सोच रही थी आज बनाऊँ, फिर मेरा दिल नहीं किया, फिर मैंने छोड़ दिया। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ, क्योंकि लॉकडाउन में तो वैसे कहीं किसी जाना नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा अच्छा तरह देखना चाहते हो, जिसको नहीं भी आता थोड़ा बहुत, वो शायद मैं जैसे करती हूँ वैसे बता सकती हूँ। एंड ये देखो, ये सारे हेयर जो मेरे पिछले साल मैंने कराए थे अभी भी स्ट्रेट ही है पूरे के पूरे। जो आप एक बार परमानेंट स्ट्रेटनिंग करा लेते हो ना, वो तो वैसे के वैसे रहती है, लेकिन जो न्यू ग्रोथ होती है, तो ये जो भी आपको ये थोड़े ट्विस्ट वाले दिख रहे हैं, ये सारी न्यू ग्रोथ है जो दोबारा उगी है, तो वो तो नेचुरली आपके बाल जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, वो स्ट्रेट होके नहीं उगेंगे। सो वो एक चीज़ थी। तो मैं सोच रही थी क्या करें क्या करें, वैसे तो वीडियो थे और बनाने वाले, लेकिन जो भी जैसे कोलैबोरेशन वाले कुछ वीडियो होते हैं ना, मैं ऐवे उठा के ऐवे नहीं बना देती हूँ, बिकॉज वी नीड टू डू जस्टिस टू द वीडियो एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो एंड टू आर ऑडियंस टू आर सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, कि वो कुछ क्वालिटी वाली चीज़ देखें एंड अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। तो जब मैं ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मैं ऐसे उठा के नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने नहीं बनाया। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा बातें होगी, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खाना खाना है, खिलाना है मेनली।